तो अब भाई के लॉफ्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो भैया अविनाश भैया, आप सबसे पहले अपने कबूतर बताओ। इसमें पांच जोड़े भोपाल से लाए हैं। कौन से पांच जोड़े आपने भोपाल से लाए? तो टाइगर का लक्ष्य जोड़ा है, मसकली का। तो दोस्तों ये देखो, ये जोड़ा भैया ने भोपाल से लाया है, और दूसरा उसके बाद एक किंग का जोड़ा। दोस्तों देखो, किंग देखो दोस्तों, देखो क्या प्यारी चीज है। तो किंग मैंने जिंदगी में पहली बार किंग का दर्शन किया है, तो धन्य हो गया मैं देख के। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशेष मेटकर, और आप लोग देख रहे हो विशेष मेटकर पिजन्स। तो दोस्तों पिछले वीडियो में, यानी कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने हाथों में एक बच्चे को ट्रेन करने वाला हूं। जैसे कि अपन वीडियो देखते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो वैसा मैं एक बच्चों को ट्रेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप ये जगह देखो, मैं अभी जा रहा था देड़तलाई, और देड़तलाई जाके मैं देखता हूं किसी के पास कोई बच्चा होगा, क्योंकि पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मेरे पास एक भी कोई जोड़े ने अंडे दिए, नए बच्चे दिए, सिर्फ एक जोड़े ने अंडे दिए थे। जो जोड़ा अंडे सेकता नहीं है और अंडे पूरे ख़राब कर देता, सिर्फ उसने एक ही बच्चा दिया। आप देख लो चैनल पे जाके, तो ठीक है। तो मेरे पास एक भी कोई बच्चा नहीं है ना कुछ है। तो मैं देड़तलाई जा रहा हूँ अपने मौसी को लाने, तो उनको आने में तकरीबन 7-8 बज जाएंगे, 6-7 बज ही जाएंगे, कुछ ना कुछ बजेंगे। कितने बजेंगे वो मुझे नहीं पता, तो कितने बजेंगे। तो मैं देड़तलाई जाऊँगा और वहाँ से कबूतर बाजू से पूछूँगा, तुम्हारे पास में कबूतर के बच्चे हैं क्या, और जो भी होता है जो पूछेंगा वो मैं आपको इस वीडियो के साथ शेयर करूँगा। तो चलो देड़तलाई जाते हैं। और मैं काफ़ी दिनों ये सोच रहा था कि मैं हाई फ्लायर बच्चा ट्रेन करूँ या लो फ्लायर बच्चा ट्रेन करूँ। अगर मैं हाई फ्लायर बच्चा ट्रेन करूँगा तो वो मेरे साथ कुछ किलोमीटर उड़ सकेगा और वो थकेगा भी नहीं, पर वो ज़्यादा अगर लंबा निकल गया तो ये कुछ सवाल था। पता नहीं जो मिलेगा मैं वो लगाऊंगा, पर मन में सवाल था। आपके हिसाब से क्या सही रहेगा हाथ पे लगाना, वो आप मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखो, आप मुझे जो मिलेगा मैं वो ट्रेन कर लूँगा, क्योंकि मैंने YouTube पे वीडियो देखे तो वो सारे लोग फैंसी कबूतर, मलवाई कबूतर ये ट्रेन कर रहे हैं, जो पामोज कबूतर ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अब देखो फैंसी कबूतर ये एक बात है, मेरे भाई शिराजी कबूतर है वो कुछ भी नहीं डरता है, वो डायरेक्ट हाथ पे आके दाना पानी खाता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ जो भी लो फ्लायर बच्चा है, जो भी 5-10 मिनट आधे एक घंटा उड़ता है, उसे मैं हाथ में ट्रेन कर लूँगा। तो अब जो भी बातें करेंगे वो देड़तलाई में करेंगे। तो ये है हमारा दूसरा वीडियो। तो दूसरे वीडियो में मुझे पता है कि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, सिर्फ 50-60 व्यूज़ आएंगे और बस 3-4 लाइक आएंगे। तो बस यार एक लाइक कर दो, ताकि 4-5 लाइक से 5 लाइक हो जाएंगे। तो आप सब लोग एक एक लाइक कर देना ज़रूर से, जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो। तो चलो देड़तलाई जाते हैं और वहाँ से पूछते हैं किसी के पास कुछ कबूतर वगैरह है क्या पट्टे। तो चलो चलते हैं, वो अपनी बाइक। तो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, देड़तलाई MP में है। तो चलो फिर MP में भी आज, वैसे जाते ही रहते हैं, 4-5 किलोमीटर तो पड़ता है। वो देखो जो बाजू में वो जो वाइट वाइट दिख रहा है सब, वो मेरा गांव है और ये MP है। तो ठीक है चलो, गाड़ी MP की है। तो चलो अब चलते हैं। तो दोस्तों ये है देड़तलाई जाने का रास्ता। तो गाड़ी मेरी बहुत ही कम स्पीड में है, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इससे पहले मैं क्या 3-4 बार गाड़ी से गिर भी चुका हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं गाड़ी चलाते हुए वीडियो ना बनाऊँ, तो अभी सिर्फ अभी बना रहा हूँ मैं। तो देखो अभी जाके देखता हूँ, मैं किसी से पूछता हूँ किसी के पास कबूतर वगैरह होंगे क्या। अभी तो वैसे शाम का वक्त है, तो लोगों कबूतर बाहर खुले रहेंगे और उड़ते होंगे, तो अपने को पता चल जाएगा किसी के कबूतर है क्या खुले हुए। खुले कबूतर दिखेंगे आसमान उड़ेंगे, नहीं तो अपन किससे पूछ लेंगे, वो अपने को बता देंगे कि भाई फलाने इंसान के पास कबूतर है, आप वहाँ चले जाओ। तो चलो चलते हैं देड़तलाई। वैसे देड़तलाई में पहुँच चुका हूँ, ये देखो ये देड़तलाई चुका हूँ मैं। तो देखते हैं, किसी से पूछता हूँ मैं कि इधर किसी के पास कबूतर वगैरह है क्या। तो देड़तलाई घूमते घूमते इस भाई के पास मैं आया हूँ। तो देखो क्या कहो, अब वैसे वो दाना खाने तो बैठ ही जाते, पर अपने संग बाहर गाँव भी जाने को ना।
अब क्या करते, मेहनत करेंगे। तो ये भाई का लॉफ्ट, अपना नाम अविनाश भाई, अविनाश भाई का लॉफ्ट। तो भाई के पास इंडियन पेंटल और किंग भी है। जब सबसे पहले आप शौक करा दो, आ ही गए अपन तो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आया था कबूतर का बच्चा खरीदने के लिए, पर ये भाई कह रहे ये कबूतर सेलिंग का भी काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं अपना बच्चा देख लूँगा, कौन सा बच्चा मुझे पढ़ता है वो मैं लूँगा। इसके बाद में अपन भाई का शौक करते हैं और भाई के जो भी कबूतर वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब भाई के लॉफ्ट के अंदर मैं आ चुका हूँ। तो भैया अविनाश भैया, आप सबसे पहले अपने कबूतर बताओ कि आपने कहाँ से लाए। तो पांच जोड़े भोपाल से लाया हूँ। कौन से पांच जोड़े आपने भोपाल से लाए? तो टाइगर का लखे जोड़ा है, मसल्कली का। तो दोस्तों ये देखो, ये जोड़ा भैया ने भोपाल से लाया है। और दूसरा उसके बाद एक किंग का जोड़ा। दोस्तों देखो किंग देखो दोस्तों, तो क्या प्यारी चीज है। तो किंग मैंने जिंदगी में पहली बार किंग का दर्शन किए, तो धन्य हो गया मैं देख के। और दूसरा मद्रासी का जोड़ा है नीचे उड़ान के लिए। कौन सा मद्रासी? वो जो व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला जोड़ा है नीचे। दोस्तों ये देखो व्हाइट वाला ये जोड़ा मद्रासी का जोड़ा है। कितना घंटे उड़ता है? 11 घंटे। दोस्तों 11 घंटे उड़ता है। और ये शायद किंग का पट्टा है ना? नहीं, किंग का ही पट्टा है वो। और क्या लाए? उसके बाद ये अपने गजरा लाया कल सीधा। ये देखो दोस्तों ये नर नर है ना, नर ये। और उसके बाद एक पंजाबी का लाया है, ये भाई कल दोमा आधे। अच्छा काफी अच्छा शौक है। क्या रेट से लाया आपने किंग का? किंग का मैंने 5500 रुपये का लाया हूँ। नहीं ये 4500 रुपये का लाया किंग का, ये मद्रासी का 5500। हाँ आप थोड़ा जोर से बोलो ताकि सुनाई दे। अच्छा इन्हें ब्रीड करी? निकाला पूरा टोटल तो उसका। सिर्फ एक ही बच्चा निकला क्या? बाकी निकला बेच डाले अपन ने। मतलब भाई सेलिंग का भी काम करता है। और इनके पट्टे क्या नक से बेचते हैं आप? 2200 रुपये दे देता हूँ, 3000 रुपये। मतलब 2200 रुपये जोड़ा दे देते हैं आप जैसा भी आए। कितनी कली का? ये पांच कली तक देते हैं। अच्छा पांच कली के बाद नहीं देते। अच्छा वाइट नहीं है क्या? एकदम वाइट फेंटल फेंटल को फैंसी भी है, हाई फ्लायर भी है। कुछ बच्चे भी निकले हैं, ये बच्चे काफी छोटे हैं। आप मुझे बता आप कौन सा बच्चा, 20-25 दिन का बच्चा चाहिए मुझे। ये बच्चा काफी बड़ा हो जा रहा है, अपने को एकदम छोटा बच्चा चाहिए, छोटे साइज में। वो भी उड़ान नहीं भागता है। हाँ वो नहीं भागता वो बात सही है, पर वो लगेगा नहीं हाथ में, और लग भी जाए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए तो बहुत छोटे जाते हैं। ये बच्चे फैंसी है ना, ये कितने दिन का अपने ये चीना पल पल का बच्चे जोड़ा रहे कल। हाँ पर वो ज्यादा फैंसी हो जा रहा, वो थोड़ा सा ही थक जाएगा वो। तो मुझे जो चाहिए था वो एज में नहीं है, वो बाहर भी अपने ही है ना। तो ये अपने 5 घंटे उड़ता ही कल से। कितना उड़ता है? 5 घंटे। तो दोस्तों ये जो नर है वो 5 घंटे उड़ता है। ये इसके माँ बाप कौन है? ये रेट के उसका छेना पल पल का जोड़ा था। अच्छा मेरे बात में भी एक था, देखो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ और आपको बात में बताता मैं लगती है कि मेरे बात में भी दोस्तों जोड़े हैं। ये उनके पट्टे टाइगर के दोनों। इसके पट्टे? ये इसके पट्टे दोनों। क्या मतलब इनने पट्टे निकाले? ये वाले एक निकाला जो पूरा ब्लैक, काफी खूबसूरत पट्टे हैं, मतलब एकदम ब्लैक में सही है। वो जो नर है ना तुम्हारा टाइगर, उसकी पूछ अच्छी है। अरे मिला गया वो बच्चा है ना, ये उड़ान के बच्चा है। वो ब्लैक हो जा रहा, वाइट में होना। हाँ इसी एज का बच्चा चाहिए। तो देखो दोस्तों इसमें अगर वाइट में बच्चा मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा होगा। टाइगर बनाओ एक।
हाँ वाह, बना रहे ना हम भाई का वीडियो। अपना नाम सागर राठौर। ये कहने से निकाला है मैंने? उसको वो नीचे निकालूंगा शायद, वो उसमें निकाल देगा दो नंबर। कम से कम आ रही है, अपने दो से तीन घंटे उड़ा लेते हैं इसको। फैंसी नहीं हो जा रहा, उड़ेगा तीन घंटे उड़ता है भाई वो। इसके बाद ये सबसे पहला जोड़ा मेरा ही। देखो भाई बोल रहे है तीन चार घंटे उड़ेगा, सबसे पहला जोड़ा मेरा। सबसे पहला जो नर है वो आपको प्रोफाइल पिक्चर में दिखेगा। तो मसल के लिए उसने निकाला टाइम सब प्रमोट करके निकालता था ये बच्चा है। तो दोस्तों ये जो बच्चा निकला है देखो, इंडियन पेंटल का, बढ़िया है। सर भाई ने पकड़ के रखे ये पेटिया, बदल लूंगा तो अच्छा होगा क्या पेटिया? वो जोड़ा सही है आपको, मेन वाला पेंटल का। लोकल में बेचते होंगे आप, क्या जोड़ा बिकता है यहाँ पे? यहाँ के अपने तो खंडवा वाले भी लेके आते हैं। अच्छा, खंडवा में भी काफी फैंसी का होता है। मित्र है करण करके, करण वो करण भाई एक्सोटिंग पेट्स वाले। करण भाई और दूसरे उनके भाई का नाम क्या है? देखिए भाई ये शायद वो फिर उनके दोस्त होंगे, वो दोस्त है एक वो जो नागपुर वाले एक संग वीडियो बनाते हैं ना, उनके पास में हर ब्रीड के कबूतर है। ये मसद के लिए जोड़ा तो उन्होंने को बुला के दिया भोपाल से। अच्छा ये वाला ये किंग है, ये तो अपने घर पट्टे निकाले अपन ने। अच्छा ये लक्के के दोनों पट्टे निकाले, अभी ये मेरा पट्टा निकला एक पूरा। हां मेरे पास में ना मई महीने से एक फेंटल का जोड़ा है, उससे अभी तक बच्चे निकाले मैंने और ना ही उसने अंडे दिए। अरेंज करा देंगे किसके पास से? दोस्तों बाजू में एक भाई है बोले, जिसके पास से मुझे वाइट बच्चा दिलवा देंगे बोले। बढ़िया है, तो मैंने आपको टाइम खोटी किया तो माफ करना, पर वाइट बच्चा चाहिए था लेकिन। तो दोस्तों भाई के पास में जो है वो ब्लैक में है और मुझे चाहिए था वाइट में, तो चलो भाई के पास से नहीं लिया है। पर कबूतर आपके काफ़ी अच्छे हैं मानना पड़ेगा।